पर दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय मीत हुड्डा बोलती हुई नजर आने वाली हैं कि जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। लेकिन दोस्तों आखिरकार उस गलत को सही करने के लिए एक बार फिर से सरकार जिम्मेदारी देता हुआ नजर आने वाला है मीत हुड्डा को, वो भी सरकारपुर की जिम्मेदारी। जी हाँ, क्योंकि अपनी कुर्सी का जो बारिश बनाने जा रहा है वो इस समय बनाने जा रहा है, साफ साफ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग बेहद ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार मनमीत का भाई मीत हुड्डा के साथ में कुछ भी प्लानिंग खेल सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मीत हुड्डा को जब से वो चेयर मिली है, जी हाँ, क्योंकि जिम्मेदारी मिलने के बाद में वो और भी ज़्यादा मीत हुड्डा के पीछे लग चुका है, क्योंकि वो पहले से ही मीत हुड्डा से नफरत करता था और जब मनमीत ने भी साथ दे दिया है उसके बाद तो और भी ज़्यादा नफरत करता हुआ नज़र आ रहा है। उस इंसान का कहना ये है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरे को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन बापू सरकार ने मेरे साथ में गद्दारी की है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। बात की जाए इस समय की बड़ी अपडेट की, तो इस समय की बेहद बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में देखने को मिलने वाली है। बात की जाए तो जल्दी ही कहानी में एक और नया ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। आप लोग जानते ही हैं कि मनमीत पहलवान का साफ साफ बोलना ये है कि हो कुछ भी जाए, मीत हुड्डा एक जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम आती तो मीत हुड्डा एक ऐसी लेडी है जो वाकई में बुरी तरीके से खड़ी हो सकती है साथ, कंधे से कंधे मिलाकर। और वाकई में दोस्तों मीत हुड्डा पर इस समय सभी लोगों को फख्र है, गर्व है, और मीत हुड्डा का कभी भी साथ नहीं छोड़ सकते। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके जरूर बताएं गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।